हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं। आप जांच लीजिए अपने आप को कि इस 30 में से आप कितना सही जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी जनित्र, जनरेटर कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अवतल लेंस लगा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी उत्तल लेंस लगा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी छोटा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो ये तो हम लोग देख ही लिए थे, छोटा हो जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी दूर की वस्तु को देख सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो आठ का सही जवाब हो जाएगा बी अबंध बिंदु कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी उत्तल लेंस होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्य अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 2 मिनट का। अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगला जो क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी काला दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी रेटिना है। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बी टेस्ला होता है। अगला जो क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सी द्वारक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अगला जो क्वेश्चन है, रोगियों को नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 2.42। अगला जो क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी संसृत प्रकाश पुंज। अगला जो क्वेश्चन है,
सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सिलियरी पेशिया द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ए, परिवर्तित द्वारक की भांति। अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनंत पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन जो है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिंगल में उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लाल रंग है। अगला जो क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, टंगस्टन का।